नमस्कार नमस्कार भाई, ये पेंशन वाला जो मैटर है जो आपने जजमेंट दिलाई थी उसकी सुनवाई 1 दिसंबर 2022 को हुई थी। 11 को जजमेंट आया था। उस जजमेंट के आधार पे क्या वर्तमान में कार्यरत जो लोग हैं उनको भी पेंशन मिलेगा या उनको भी केस करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात समझ लीजिए, हमने दो चीजें डाली थी। एक कि जिन लोगों का नोटिफिकेशन 1-1-2004 से पहले उनको बेनिफिट दिया जाए, और दूसरा कि क्योंकि हम आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन है, देयरफॉर ये नोटिफिकेशन हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है। सरकार ने दोनों पॉइंट के ऊपर, पहली पार्ट जो पॉइंट था कि 1-1-2004 से पहले, वो हमारे फेवर में उन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दिया 3 मार्च को कि उनको बेनिफिट मिलेगा। तो उन लोगों को तो वैसे ही मिल जाएगा बेनिफिट जो लोग 1-1-2004 से पहले, जो लोग 1-1-2004 के बाद हैं उनको इस जजमेंट में पहले से ही कवर कर दिया गया है। उसमें ये बोल दिया गया है कि सारे लोग, चाहे वो 2004 से पहले भर्ती हुए या वो 2004 के बाद भर्ती हुए, उन सबको बेनिफिट मिलेगा। 2022 तक के जो भी जो लोग हुए हैं सबको, तो किसी को भी केस करने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा उसका ध्यान देखें, उसी से बेनिफिट मिलेगा सबको। अलग से लोगों को केस फाइल करने की कोई जरूरत नहीं। भाई, अभी एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, माहौल कि अब केस जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग दिखाई दे, एसएसपी लगा रही है सरकार। अब भाई, इस केस को फोकस करना जरूरी है या लोग दिमाग में लोगों को डाला जा रहा है? देखिए, मैं लोग क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते मैं इसके बारे में बोलता हूँ। मैं इतना बता रहा हूँ कि जो जजमेंट है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, सब किसी को अलग से केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट में अगर एसएसपी आएगी तो उसको हमारे को डिफेंड करना, और कुछ नहीं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अब जो एसएसपी सरकार लगा रही है, जो अभी तक के हैं कवर्ड हैं उस केस में, किसी को केस करने की जरूरत नहीं। जो वर्तमान में हमें जो जजमेंट आया उसको देख के सभी लोगों को उसमें हमें मतलब फोकस करने की जरूरत है, बाकी कोई काम नहीं। पिछली जजमेंट सबके लिए आती है। मैंने एक बात पूछना चाह रहे हैं आपसे, एक्चुअली क्या है कि बॉर्डर लद्दाख तक आपकी वीडियो लोग देखते हैं और पूरे लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ थे। मैं बस थोड़ी छुट्टी मनाने के लिए गया हुआ था, तो आ गया, वापस आ गया हूँ। तो हमारे केस में भाई जी आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, आप लोगों से ज्यादा मेरे को खुद आप लोगों के लिए लड़ाई करनी, चिंता मत करो। ठीक है, देखिए, बात के सामने खुल के मैं पूछ दिया, अब इससे ज्यादा क्या करना। मैं पैर में पकड़ता हूँ कि पैरामेट्रिक फोर्स के लिए जो है, ये पैर पकड़ना क्यों है, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मैं कर रहा हूँ, चिंता नहीं कर रहा। ये पेंशन हो गया तो बस होगा, चिंता मत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, नमस्कार।